लोगों के लिए प्रेम करना कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है प्रेम को प्राप्त करना। प्रेम करना जितना कठिन है, प्रेम को प्राप्त करना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रेम करना एक प्रकार से सरल है और कोई भी इसे कर सकता है, क्योंकि ये अहंकार के विरुद्ध नहीं है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम कुछ दे रहे होते हो और अहंकार को बढ़ावा मिलता है। तुम्हें एक भाव होता है कि तुम ऊपर हो क्योंकि तुम देने वाले हो और दूसरा प्राप्त करने के छोर पर है। तुम बहुत अच्छा महसूस करते हो, तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है, फूल जाता है। लेकिन जब तुम प्रेम प्राप्त करते हो तो तुम इस भाव में नहीं रह सकते कि तुम ऊपर हो। प्राप्त करते हुए तुम्हारा अहंकार आहत होता है। प्रेम प्राप्त करना प्रेम देने से अधिक कठिन है और एक को दोनों सीखना है, देना और प्राप्त करना। और प्राप्त करना तुम्हें देने से अधिक बदलने वाला है, क्योंकि प्रेम प्राप्त करते समय तुम्हारा अहंकार गायब होना शुरू हो जाता है। क्या तुमने इसे खुद में देखा है? यदि नहीं तो निरीक्षण करना। जब कोई तुम्हें प्रेम देता है तो तुम थोड़े हिचकिचाते हो, तुम्हें एक तरह की असुरक्षा महसूस होती है, तुम एक दीवार बना लेते हो, एक सूक्ष्म दीवार। तुम दिखाते हो जैसे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत निष्क्रिय होती है, तुम बहुत अधिक रुचि नहीं रखते। असल में रुचि तो तुम रखते हो, लेकिन दिखाते हो कि रुचि नहीं। प्रेम में कौन रुचि नहीं रखता? प्रेम ऐसा पोषण है, लेकिन तुम नहीं दिखाना चाहते कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तुम ढोंग करते हो कि जैसे सब ठीक है, तुम्हें ये नहीं चाहिए। जब कोई दे रहा है तो दूसरा अक्सर ऐसे दिखाता है, मैं आभारी हूँ कि तुम दे रहे हो, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं पर्याप्त हूँ। ये हमेशा प्रेमियों के साथ होता है। यदि स्त्री बहुत प्रेमपूर्ण है तो पुरुष पीछे हटने लगता है, यदि पुरुष बहुत प्रेमपूर्ण है तो स्त्री पीछे हटने लगती है। ये प्रेमियों की एक मूलभूत समस्या है कि यदि एक बहुत अधिक प्रेम में है तो दूसरा भागने लगता है। आखिर कारण क्या है? एक निश्चित मौलिक कारण के लिए, यदि स्त्री बहुत प्रेमपूर्ण है तो पुरुष डरने लगता है, क्योंकि स्त्री देने वाली है तो पुरुष को लगता है कि स्त्री उससे ऊपर हो जाएगी तो वह निर्भर हो जाएगा, तब उसको स्त्री का दास बनना पड़ेगा और वह इतनी मातृत्व से भरी है कि वह हर तरफ से उसे घेर लेगी, वह उसके लिए एक जेल बन जाएगी और वह कोई बच निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पाएगा। वह बहुत देर होने से पहले भागना शुरू कर देता है, वह इससे बाहर निकलने का या कम से कम थोड़ी दूरी बनाए रखने का प्रबंध करता है, ताकि यदि समय आए तो वह भाग सके। और स्त्री के साथ भी ऐसा ही होता है, यदि पुरुष बहुत प्रेमपूर्ण है और हर जगह से उसे घेरता है तो वह घुटन महसूस करती है, वह महसूस करती है कि कुछ गलत है। उसको महसूस होता है कि उसकी स्वतंत्रता खतरे में है। दोनों प्रेम चाहते हैं, दोनों को प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन अहंकार तुम्हें प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे। और यदि तुम प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हो तो तुम देने में भी असमर्थ हो जाओ। ये एक तार्किक परिणाम है। यदि तुम प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हो, यदि तुम इतने भयभीत होते हो जब कोई तुम्हें प्रेम देता है, तो एक स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि तुम देने में भयभीत हो जाओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि लोग कैसे डर जाते हैं जब कोई उन्हें प्रेम देता है। जब कोई तुम्हें प्रेम देता है तुम डर जाते हो। अब तुम जानते हो कि यदि तुम बहुत अधिक प्रेम देते हो तो दूसरा डर जाएगा। तुम बहुत अधिक नहीं देते, तुम एक कंजूस बन जाते हो, तुम एक अपंग व्यक्ति बन जाते हो। जब प्रेम दे सको तो, जब प्रेम कोई दे तो उसे स्वीकार करो। प्रेम को मौका दो कि वो तुम्हारे अहंकार को मिटा सके, और प्रेम के कारण ये घटेगा। प्रेम से सुंदर और इससे ज्यादा शीघ्र मार्ग और कोई नहीं है प्रभु को जानने का। प्रणाम।